हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। अब ये कनकेव लेंस आ गया, कनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरीके का, ठीक है, कनकेव लेंस है। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो मैंने आपको बोला था पहले जो जो गिवन है उसे लिखते जाओ। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर, दैट इज यू। यू का डिस्टेंस हो गया कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है हमेशा किस में होता है, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्लियर। उसके बाद कहते हैं एंड इट्स इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो देखो जहाँ पर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये कितनी दूरी पर था, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ठीक है, और ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज़ यू, ठीक है, और माइनस में चला गया, लेफ्ट साइड है। अब देखो यहाँ से जो ये बात बोलते हैं ना कि इट्स इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, इरेक्ट इमेज है, तो मुझे पहले ही पता चल गया था इरेक्ट की वजह से कि इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड बनी है, तो वी माइनस में होगा, समझ रहे हो। लेकिन इसने फिर यहाँ बोल भी दिया है कि इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या है, हमारे पास इमेज भी है, क्लियर है। इसका मतलब इरेक्ट इमेज से भी समझ सकते थे कि लेफ्ट साइड है, और यहाँ से भी समझ सकते हैं ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या है, इमेज भी है आपकी। और ये 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर कहीं बन रहा होगा, ठीक, यहाँ पर कहीं इमेज बन रही होगी 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो V आ गया ये आपके पास, कितनी बात क्लियर है। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है आपको, ठीक है, तो V हमें पता चल गया ये किस में होगा आपके पास, माइनस में ही होगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें बतानी है इसकी ऑफ़ द गिवन लेंस, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, मतलब m बताना है आपको, दो वैल्यू बतानी है। देखो वैसे आपको पता है फोकल लेंथ जो है कनकेव की नेगेटिव होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आएगी नेगेटिव, देख लेना आप, ठीक, खुद से नहीं लेनी, जो चीज़ वैल्यू निकालनी होती है आपको उसका खुद से नहीं लेना होता, जो गिवन होती है उनकी वैल्यू तो आपको देखनी है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्लियर। तो सबसे पहले f निकालते हैं, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, 1/f इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/v माइनस में 1/u, क्लियर। तो 1/f इज इक्वल टू में v की वैल्यू हो गई माइनस के 10, और 1/u में u की वैल्यू हो गई माइनस के 20, तो ये आ गया आपके पास 1/10 माइनस का, और माइनस माइनस ये प्लस का 1/20। इसका LCM जब आप लोगे तो 20 आएगा, देख लेना चाहे, देखो 10 और 20 है, ठीक है, इसको हम किससे करें, 10 से ही कर देते हैं, 10 वन था 10 टू था, तो 10 टू था 20, क्लियर। तो ये कितना आएगा आपके पास बताओ, 20 और 10 को डिवाइड करो, 10 टू था 20, 2 आया, 2 इंटू 1 2, और ये माइनस है तो माइनस का 2, प्लस में 20 को डिवाइड करो 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/20। तो 1/f की जो वैल्यू आई है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/20, और अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 20 भी ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का 20 और ये सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ मैंने आपको बोला था कनकेव लेंथ में नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव ही आ रही है, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अगर आपकी पॉजिटिव आ गई गलती से तो समझ जाना कोई गड़बड़ कर दी आपने साइन में, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी और कनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी, बताओ क्लियर है या नहीं है बात। तो हमने फोकल लेंथ तो निकाल दी जो उसने पूछी थी आपसे, ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखो, एक तो होता है h' / h, ये वाला भी होता है फॉर्मूला, लेकिन ना तो h' है, ना तो हमारे पास साइज ऑफ इमेज है, ना ही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज कह दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो गिवन नहीं है। तो हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है इसका, कौन सा होता है, m इज इक्वल टू में v बाय यू वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। v बताओ कितना है हमारे पास, माइनस का 10 है, और u कितना है, माइनस का 20, तो ये 1/2 आ गया, 1/2 को हम करेंगे तो ये 0.5 आया है, तो m जो आया है आपके पास प्लस का 0.5 आ गया, मैग्नीफिकेशन भी हमने निकाल दी, ठीक है। और m से अगर इसमें आपको पूछा होता नेचर वगैरह तो आप नेचर भी बता सकते थे, ठीक है, नेचर देखो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो एक तो वी से ही पता चल रहा था, माइनस का 10 है तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, लेफ्ट साइड हमेशा लाइंस के कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, ठीक है। एम से अगर आप पता करो, और इस क्वेश्चन में तो वैसे दिया ही हुआ था इरेक्ट इमेज, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि नेचर अगर हमें पता करनी हो तो एम से हम कैसे कर सकते हैं, एम देखो पॉजिटिव है, एम अगर पॉजिटिव होता है तो कैसी इमेज होती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, क्लियर। और अगर ये देखें हम 0.5, सिंपल एक नंबर, ये लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज़ होगा वो कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा। ये चीज़ें हम पता कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन की हेल्प से, मैंने मैग्नीफिकेशन वाले टॉपिक में आपको बताया था, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।